नमस्कार, द्विवेदी जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूजी का नाश्ता बनाएंगे, जो कि बिल्कुल अलग बन के तैयार होगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कप हम सूजी लिए हैं, जो कि सूजी हमारी बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी हो तो थोड़ा सा मिक्सर में उसे चला दें तो आपका सूजी बारीक हो जाएगी। और यहाँ पे हम रखते हैं एक पैन, और पैन हमारा गरम है, गैस का फ्लेम धीमा है। इसमें सूजी को हम हल्का हल्का भूनेंगे, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस हल्का सा हमें भूनना है ताकि सूजी का कलर भी ना चेंज हो और थोड़ा सा स्वाद में भूनने के बाद अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूजी हमारी जो है भुना गई है। और हाँ, ये ध्यान दें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा होना चाहिए। अब हम गैस को ऑफ कर दिए हैं और इसमें यहाँ पे डालते हैं हम कुछ कटा हुआ बीन्स है, कुछ कटा हुआ शिमला मिर्चा है लाल वाला, और कुछ कटा हुआ बारीक प्याज है, दो हरा मिर्चा है बारीक कटा हुआ, और स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें हम डालते हैं, यहाँ पे लिए हैं एक कप हम पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस तरह से आप देख सकते हैं एक कप पानी हम डाल दिए हैं। और इन्हें बिल्कुल हमें एक हलवे का जैसे डो होता है, थोड़ा सा हलवे से टाइट बनाना है, तो बिल्कुल हमें धीमी आंच पे, गैस का फ्लेम जल रहा है और आंच धीमा है, धीमी आंच पे हमें इन्हें अच्छी तरह से एक टाइट डो बना के तैयार करना है। आप चाहें तो और भी सब्जियां हो, हरी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी है, और बाकी कोई सब्जी है आपके पास हरी में, तो आप और भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और इन्हें आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल सुखा लिए हैं। अब ये सूजी का डो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब गैस को हम ऑफ करते हैं और यहाँ पे हम इन्हें थाली में निकाल देते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडा हो जाए, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती और हाथों में हल्का सा तेल लगाकर इन्हें मसल देते हैं ताकि सारा चीज़ अच्छी तरह से थोड़ा सा मिल के और डो हमारा सॉफ्ट हो जाए। हाथों में ज़रा सा तेल लगाते हुए आप इन्हें मसलें। अब फिर हम हाथों में अपने थोड़ा सा तेल लगाते हैं और छोटा छोटा गोला बनाते हैं। आप चाहें तो गोल या लंबे में कोई भी आकार दे सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं छोटा छोटा गोला आप इन्हें बना लें। तो इसी तरह से हम पूरा गोला बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा गोला हमारा बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लेते हैं कॉर्नफ्लोर और इसमें हम डालते हैं, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर है, इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच के लमसम पानी और इनका एक घोल बना के हम तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा आप अच्छी तरह से इन्हें मैश करें, देखिए इस तरह से मिलाते हुए, ताकि इसमें कोई भी गांठ या लम्स ना रह जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक घोल हमारा बन के तैयार हो गया। अब इन्हें हम रखते हैं एक साइड।
अब यहाँ पे हम रखते हैं एक पैन और इसमें डालते हैं दो टुकड़ा बटर का टुकड़ा है, आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं या रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए बटर का दो टुकड़ा डाले हैं और इसमें एक हरी मिर्च काट के दो भाग में डाल दिए हैं। उसके बाद ये गोला जो है इसे भी हम इसमें डाल दिए हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि आपका जो ये गोला है थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए। अब इन्हें हम पलटे से बिल्कुल भी नहीं छुएंगे और इसी तरह से हम हिलाते हुए थोड़ा सा इन्हें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो अपने बच्चों को इसी तरह से खिला सकते हैं, पर हम थोड़ा सा इसमें चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाला डालेंगे। पर थोड़ा सा हम अभी इन्हें और भूनेंगे। अब यहाँ पे हम डालते हैं आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सोया सॉस है, आधा चम्मच के लमसम चिली सॉस है और ये जो हम घोल बना के रखे थे उसे भी हम इसी में डाल दिए हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा होना चाहिए और बिल्कुल हल्के पलटे से हमें चलाना है, क्योंकि अगर हल्के पलटे से हम नहीं चलाएंगे तो ये जो हमारा डिश है ख़राब हो जाएगा। तो इन्हें बिल्कुल हल्के पलटे से आप चलाएं। और इसमें डालते हैं दो बड़े चम्मच से टमाटर सॉस। तो अच्छा सा ये नाश्ता हमारा बन के तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा नमक, क्योंकि गोले में हम नमक डाले थे तो थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे तो और चटपटा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और तीखा पसंद हो तो हल्का सा लाल मिर्चा पाउडर ऊपर से आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती और इन्हें एक बार और हम चला देंगे। तो बस हमारा नाश्ता अब तैयार है। चलिए हम प्लेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लजीज नाश्ता बन के तैयार हुआ है। जब भी आपको कुछ नया खाने का मन हो तो इन्हें बनाएं और बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। बहुत टेस्टी बना है और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कैसा बन के तैयार हुआ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।